होशंगाबाद ब्लॉक पिपरिया के समृद्धि वेयरहाउस सरकारी मूंग खरीदी केंद्र पर मंगलवार दोपहर लोकायुक्त की 10 सदस्य टीम ने अचानक धावा बोल दिया, जिससे हड़कंप मच गया। लोकायुक्त डीएसपी संजय शुक्ला के अनुसार किसान अशोक पटेल पिता उदय सिंह पटेल निवासी खैरा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को विगत 6 सितंबर 2021 को शिकायत की थी कि समृद्धि वेयरहाउस खापरखेड़ा पिपरिया मूंग का सैंपल दिखाने गए तो समिति प्रबंधन सुनीत पुरोहित ने प्रति क्विंटल तुलाई के लिए 200 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस प्रकार 5000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। 5000 रुपए की रिश्वत की मांग सोसाइटी मैनेजर ने किसान से की थी। आवेदक की शिकायत पर सत्यापन कराया गया, जो सही पाए जाने पर मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे समृद्धि वेयरहाउस पर लोकायुक्त निरीक्षक मयूरी गौर ने छापा मार कर सोसाइटी मैनेजर को धर दबोचा। मैनेजर ने अपने भांजे पप्पी व्यास के माध्यम से अशोक पटेल से 5000 रुपए की रिश्वत ली थी। आरोपियों के खिलाफ 712 पीसी एक्ट के धारा 120 बी भादवी के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। इसमें कृषक अशोक पटेल हैं, पिपरिया निवासी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को कंप्लेन किया कि ये समृद्धि वेयर हाउस खापरखेड़ा तहसील पिपरिया में मूंग की तुलवाई के लिए यहाँ के प्रबंधक जो है सुनीत पुरोहित और उनके भांजे विवेक व्यास ये प्रति क्विंटल के हिसाब 200 रुपए के हिसाब से रिश्वत की मांग करते हैं। तो आवेदक की शिकायत पर सत्यापन किया गया और जिसमें आज उन्हें रिश्वत राशि देने के लिए यहाँ पर भेजा गया। तो 5000 रुपये मतलब 25 क्विंटल टोटल इनकी मूंग थी और 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 5000 रुपये रिश्वत राशि आरोपी सुनीत पुरोहित ने अपने भांजे विवेक व्यास के हाथ में दिलवाई, जिसे लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। का सैंपल लाया था इनके पास, तो इन लोगों ने सैंपल देखा, उसके बाद ये कहने लगे वो धुल तो जाएगी लेकिन 200 रुपये क्विंटल लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, मैं पैसा नहीं देना चाहता था। तो मैंने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को भी भोपाल, तो उन लोगों ने आज 14 तारीख को आकर इस शिकायत पर कार्रवाई की। ये 25 क्विंटल तुलवाना था तो 5000 रुपये मांग रहे थे और वो तो लगभग सभी जितनी वेयरहाउस हैं सभी में ये सब धांधली चल रही है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हर किसान को ना किसी नेता के पास जाना ना किसी के पास जाना, सिर्फ अपने आप में वो थोड़ा बल होना चाहिए, जिससे कि अपनी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सका। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपरिया से शकील नियासी की रिपोर्ट।